क्लासीफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्स इंटू एग्रो क्लाइमेटिक्रॉप जोन पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चरल लैंड है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इंटू इरीगेटेड एरिया एंड नॉन इरीगेटेड एरिया फिर इसी पैटर्न पर अगर हम पंजाब के रेफरेंस में डिस्कशन करें तो ब्रॉडली पंजाब कैन बी कैटेगराइज अंडर क्रॉप कॉटन व्हीट सिस्टम राइस व्हीट सिस्टम एंड मेक्स सिस्टम यहाँ पे ये यह जो टेबल हम रिपोर्ट कर रहे हैं दैट टेबल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पिलमैन बुक और उसने ये सारा टेबल अडॉप्ट किया था फ्रॉम पिंकनी 1989 के पेपर में से और इस टेबल के हिसाब से जो हमने पाकिस्तान की डिवीजन की है दैट हैज बीन डन इनटू टू टेन जोस और इन टेन ज़ोन्स में से फाइव जोनस लाई इन पंजाब टू इन सिंध टू इन के एंड वन इन बलुचिस्तान जब हम पंजाब के रेफरेंस में बात करते हैं तो पंजाब हैज बीन डिवाइडेड इनटू इनटू बारानी पंजाब पंजाब लो इंटेंसिटी पंजाब कॉटन वीट पंजाब एंड राइस वीट पंजाब डिपेंडिंग अपॉन द्रॉप दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द पंजाब और यहाँ पे जो आप कह लें क्रॉप प्रोडक्शन है इन दिटर्मिनेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन नेचर ज प्लेइंग सम रोल वहाँ पे क्लाइमेट किस ने क्लाइमेट प्ले एन इमेंट रोल इन दिटर्मिनेशन ऑफ द्रॉपर क्लाइमेटिकोन हम कह सकते हैं जिस एरिया में कॉटन कॉटन प्रोड्यूस हो रही है वो कॉटन हम राइ जोन में प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्या जी अगर मैं कहूँ कि कॉटन जो कि आपके पास भावल या भावलपुर में प्रोड्यूस हो रही है हम उस कॉटन को सियालकोट या शेखुपुरा में प्रोड्यूस करें तो दैट इज रिलेटिवली या डिफिकल्ट टास्क या यू कह लें कि नेचर आपको परमिट नहीं करेगी कि आप इसको सियालकोट में प्रोड्यूस कर सकते फिर इसी पैटर्न में जब आप सिंध की बात करते हो तो सिंध को भी डिवाइड किया गया अंडर कॉटन वीट एंड एंड राइस अदर और, और इन सब जोन्स के आगे जो रिस्पेक्टिव हैं जो इस पर्टिकुलर जोन में लाइक करते हैं वो सारे इस टेबल में रिपोर्ट किए गए फिर जब आप केपीके की बात करते हो तो केपीके हैज बीन डिवाइडेड इनटू साउथर्न केपीके जोन एंड प्लेन्स और बलीक फुटहिल्स ऑफ केपीके और जो बाकी सारी डिस, डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान की कि ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान आर कैटेगराइज्ड अंडर दी जोन ऑफ बलूचिस्तान और इस सारी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो हमने कहा कि दीज आर द एग्रो क्रॉप जोन दैट हैज बीन डिवाइडेड बाय पिकनी

in fact climate is a determinant which type of the crop can be grown in a particular area